अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासल अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। जी फ्रेंड्स, आज हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे 3D बैलून टेक्चर, वो जो कि नए डिज़ाइन में नए अंदाज़ में हमने ये क्रिएट करना है। तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है ये 3 आई ट्यूब्स। ये है 443 नंबर इसका ब्लू कलर, और ये है वायलेट कलर 402 नंबर 402, और ये है रोज़ कलर जो कि 336 रोज़ कलर। इन तीनों से हम इसको डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, और उसके साथ जो हम इसका कॉटन जो है कपड़ा मलमल का ये इस्तेमाल करेंगे, और जो फुटबॉल है हमारा वो इससे हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जो पर्पल कलर है इसको लगा लेते हैं। और सेंटर में आ जाएगा हमारा ये जो रोज़ कलर है। और इस साइड पे ब्लू कलर आ जाएगा। इस तरह से करके इसके बाद हमने इसके इसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल देना है। लेकिन सबसे पहले जो हम इसका जो सेंटर वाला कलर है रेड कलर रोज, सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा लाइट है, इसको और भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं। और इसके बाद जो है वो हम ब्लू कलर यूज करेंगे, उसका भी सेम यही तरीकाकार। अब हम जो ये वाइल्ड कलर है पर्पल, इसको शूज यूज करेंगे। जो पहले 3D टेक्चर बैलून टेक्चर बनाया था वो था सिंपल जस्ट वन कलर में, और ये हम 3 कलरों में ऐड करेंगे। इसका थोड़ा सा डिफरेंस जो उससे थोड़ा सा अलग रखेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको ज़बरदस्त आइडिया मिलेगा। इस तरह से पहले हमने इसकी जो टैपिंग कर लेनी है, एक बार इसको भी रिन्यू कर लेना। ताकि एक दूसरे के बीच में ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। और इसके बाद ब्लू जो शेड है उसको भी इसी तरह से
फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसको जो अप्लाई कर लेना है अच्छे तरीके से। तो अब हम इसका जो टूल है वो फुटबॉल यूज़ करेंगे, तो उसके लिए इतनी हवा हमारी डाउन होनी चाहिए ताकि इस तरह से ये कर सके। तो उसके लिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जस्ट इस तरह से, ये मुख्तलिफ जगहों पे हम लगा लेंगे या फिर इस तरह से, ये तीन तीन इस तरह से, ये जस्ट ऐसे नहीं करना है। इसके बाद भी हम इसका जो एक अगले नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपको दिखाएंगे, इसमें दो से तीन स्टेप इंशाल्लाह तैयार करेंगे। ये बहुत मज़े का डिज़ाइन बनेगा। ये ऐसे 3x3 का जो साइज है पर लेकर चलेंगे। इस तरह से हमने पहला स्टेप जो है उसका कंप्लीट कर लेना है। तो अब हम इसको जो कुछ जगहों पर इसको और भी 3D करेंगे, तो उसके लिए हमने कोई सा भी चूज़ कर लेना है। इस तरह से इसको एक स्प्रिंग जो स्प्रिंग होता है उसकी तरह हमने इसको ऊपर करना है, जैसा कि स्प्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ आता है, वो एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, ये 3D इफेक्ट देगा। तो फ्रेंड्स ये देखें कितना ये ज़बरदस्त डिज़ाइन तैयार हो चुका है हमारा। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।